जहां एक ओर अरब समेत पश्चिमी देश इसराइल हमास की जंग रोकने की भरपूर कोशिशों में जुटे हैं, वहीं इसराइल इस जंग को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। गाजा में हमास के सफाई के बाद अब रफा में इसराइल हमास के पीछे पड़ा है। वहीं इसराइल हमास की इस जंग में अब तालिबान भी कूद पड़ा है। तालिबान ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्ला का साथ देने के लिए 1000 से अधिक लड़ाके लेबनान भेजे हैं। तालिबानी लड़ाके लेबनान की ओर जाते दिख रहे हैं। एक्स पर इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। अफगानिस्तान से पहली खेप में 1000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके लेबनान भेजे गए हैं, जो युद्ध में हिजबुल्ला का साथ देंगे। ये लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों और मिलिट्री वाहनों से लैस हैं। तालिबानी लड़ाके हाथ में हथियार लहराते हुए मिलिट्री वाहन के साथ स्केटिंग करते जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसराइल हमास युद्ध में तालिबान की सीधी एंट्री ने मध्य पूर्व एशिया में जंग का दायरा और बढ़ाने का खतरा बढ़ा दिया है। तालिबान का कहना है कि उसके पास अरबों रुपयों के अमेरिकी हथियार हैं, जिसे जो बाइडेन अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग लगभग खात्मे की ओर है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा में जंग अभी भी जारी रहेगी, मगर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने के बाद अब अधिक इजरायली सैनिकों की गाजा में जरूरत नहीं रह गई है, इसीलिए अब हिजबुल्ला से हिसाब चुकता करने को हमारी सेना तैयार है।